हर हर महादेव सबको, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे वीडियोस पे कि कभी स्नैपचैट स्पॉटलाइट को छोड़कर थोड़ी सी स्नैपचैट स्टोरीज़ के बारे में भी कुछ बता दो, और जानना चाहते थे कि क्या मोनेटाइजेशन होता है या नहीं है स्नैपचैट स्टोरी में। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली स्नैपचैट स्टोरी के ऊपर है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं सबको बता दूँ कि स्नैपचैट के हर एक फीचर में मोनेटाइजेशन प्रेजेंट है, एंड सेम यहाँ पे स्नैपचैट स्टोरी में भी मोनेटाइजेशन का फीचर है। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू अर्न करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें स्पॉटलाइट पे भी फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आ रहे हो और आपको स्पॉटलाइट के बारे में जानना है कि स्नैपचैट स्पॉटलाइट का क्राइटेरिया क्या है, तो आप मेरी बाकी की वीडियोज चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन सबका है कि स्नैपचैट स्टोरी क्या है। तो जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक में स्टोरीज लगाते हो, तो सेम ऐसा ही कुछ स्नैपचैट स्टोरी भी है। लेकिन यहाँ पे जब हम स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी दो टाइप के हैं। एक स्टोरी वो है जो कि आपके फ्रेंड लिस्ट को दिखती है, और दूसरी स्टोरी वो है जो कि पब्लिक, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं या फिर कोई आपको डिस्कवर पेज से ढूंढता है या किसी के पास सजेशन जाता है और वो आपके पब्लिक प्रोफाइल को विजिट करता है, तो वहाँ पे जो स्टोरीज दिखती है उसे हम पब्लिक स्टोरीज बोलते हैं स्नैपचैट की। तो पब्लिक स्टोरीज में यस हमारे पास रेवेन्यू सिस्टम है, और रेवेन्यू सिस्टम हम अर्न कैसे करते हैं बेसिकली यहाँ पे स्नैपचैट सिंपली बोलता है कि जब आप अपने स्टोरीज, बहुत सारे स्टोरीज आप पोस्ट करोगे पब्लिक प्रोफाइल में, तो क्या होगा, बीच बीच में कुछ एड्स जो है वो प्ले करेगा। एंड अगर आपका कोई सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा आपका फ़ैन है और उसे आपकी स्टोरीज देखने में बहुत इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली चीज़ है आपके ऐड को भी ज़रूर देखेगा। तो वहाँ पर ये जो एड्स बीच में आता है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है स्नैपचैट, जिसमें से कुछ पोर्शन वो अपने कंटेंट क्रिएटर को भी देता है। तो यहाँ पे मेन ये चीज़ है कि आपको स्नैपचैट स्टोरीज पोस्ट करते रहना है, एंड वहाँ पे अगर आप क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, फुलफिल करते हो, तो आपके पास है मौका स्नैपचैट स्टोरी से भी अर्न करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्नैपचैट स्टोरीज में क्वालिफाई करने के लिए हमें करना क्या है। तो मैं बता दूँ, स्पॉटलाइट और स्टोरीज दोनों के ही जो क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने के, वो बहुत ही डिफरेंट है। जहाँ पे स्नैपचैट स्पॉटलाइट में हम बोलते हैं कि हमें सिर्फ 1000 फॉलोअर्स की नीड है, वहीं पे स्नैपचैट स्टोरी के लिए रेवेन्यू अगर आपको जनरेट करना है तो आपको चाहिए कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर्स। सो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, लाइक 1000 सब्सक्राइबर्स था स्पॉटलाइट के लिए, लेकिन यहाँ पे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने कंपलसरी है। प्लस आपको चाहिए 25 मिलियन व्यू या फिर 12K का वॉचिंग आवर। तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया हो गया जो आपको फुलफिल करना ही है। इसके अलावा आपको ज़रूरी है 18 प्लस ऑफ एज का होना, और प्लस ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस कंट्री पे रह रहे हो क्या वो कंट्री रेवेन्यू सिस्टम को अलाउ भी करती है या नहीं करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप सारी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो लेकिन आपकी जो कंट्री है वो रेवेन्यू सिस्टम में आता ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। सो अगर आपके सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको किस तरीके से पोस्ट करना है ताकि आपके पास भी रेवेन्यू वाला ऑप्शन आ जाए। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि स्नैपचैट में आपका जो अकाउंट है उसे ग्रो करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, चाहे वो 2-3-6 मंथ्स का हो, क्योंकि ऐसा कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कि आज आप पोस्ट करोगे और आप 10 दिन के बाद वायरल हो जाओगे। तो थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया, वो क्राइटेरिया बेसिकली आपको पास्ट 28 डेज के अंदर ही फुलफिल करना है, यानी कि आपके पास 28 डेज में 25 मिलियन व्यू या फिर 12K का वॉचिंग आर होना चाहिए। तो ये 28 डेज के लिए, राइट, एंड 50,000 सब्सक्राइबर्स तो वहाँ पे नीडेड है। तो स्टोरी के लिए एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है उनका, वो बोलते हैं, यानी कि स्नैपचैट बोलता है कि आपको पूरे मंथ के एटलीस्ट 10 डेज में स्टोरीज पोस्ट करनी है, और हर डे में आपको 20 प्लस स्टोरीज पोस्ट करनी है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 स्टोरीज लगा दी और उसके बाद छोड़ दिया, नो, इट हैज़ टू बी 20 प्लस स्टोरीज ईच डे, एंड इट शुड बी एटलीस्ट फॉर 10 डेज। तो 10 डेज का क्राइटेरिया है, लेकिन तुम कोशिश करो कि भाई तुम 15-20-25 दिन लगा ही दो, 20-20 से ज़्यादा स्टोरीज, अगर तुम इस पर्टिकुलर तुम्हें लगता है कि यस मेरे पास बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे क्लैरिफाई हो चुके हैं, तो आप ये कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन आता है कि हमें किस टाइप की स्टोरी पोस्ट करनी है। नाउ स्नैपचैट बोलता है ऐसी स्टोरी पोस्ट करो जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, लेंदी हो, जहाँ पे आप बोल रहे हो या फिर जहाँ पे आपके जो फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर वो सपोज कोई क्वेश्चन करते हैं आपसे, तो आपको उस चीज़ का आंसर देना है।
है कि जितना ज़्यादा आपका इंटरैक्टिव वाला रहेगा स्टोरी, उतना ही एंगेजमेंट रेट जो है आपके स्नैपचैट अकाउंट का वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं जिससे कि लोग आपको ढूंढ सकते हैं। पहले तो या तो आप उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है डिस्कवर। आपने देखा होगा डिस्कवर करके हमारे पास एक सेक्शन है स्नैपचैट में जहाँ पे आप नए लोगों को डिस्कवर कर सकते हो। तो वहाँ पे भी अगर आपका अकाउंट चले जाता है तो अगर लोग आप लोगों को वहाँ पे ढूंढ पाते हैं तो अगेन वो आपकी पब्लिक स्टोरीज को वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो ये जो भी क्राइटेरिया है ये पब्लिक स्टोरीज के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में उनके साथ बात कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसके बारे में बोल सकते हो। तो जितना लेंदी आपका स्नैपचैट स्टोरी होगा, यानी कि जितने ज़्यादा स्नैपचैट स्टोरीज होंगे उतनी ही ज़्यादा एंगेजमेंट आपकी इंक्रीज़ होगी अकाउंट की, और उतना ही रेवेन्यू सिस्टम में आना आपके लिए हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों के पास स्नैपचैट स्टोरी के लिए सब्सक्राइबर्स नहीं है, या फिर उनका वॉचिंग आवर कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर उनका व्यू काउंट भी नहीं पहुँच रहा, तो उनको क्या करना है। बहुत ही सिंपल है गाइज। अगर आप स्टोरीज, अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, मान लो आपके पास 5K 10K इससे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आज से ही ना स्टोरी लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि स्टोरी में ऐसा नहीं है, रेवेन्यू वाला सिस्टम तो है ही है, लेकिन स्टोरी से मैं पहले बता दूँ सबको कि हम इवन स्टोरी से फॉलोवर्स भी गेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने अकाउंट का स्टोरी व्यू दिखा रही हूँ आपको कि कैसा है। तो देखो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ना इंक्रीज होते चले जाएगा। आप देखोगे कि आपके एंगेजमेंट स्टोरीज की धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन इन सबको टाइम लगता है। मैं जो आपको अभी स्टोरीज दिखा रही हूँ ये पास्ट 1 मंथ की है, और 1 मंथ से मैं रेगुलरली स्टोरीज पोस्ट कर रही हूँ, और धीरे धीरे एंगेजमेंट रेट बहुत अच्छा जा रहा है मेरे अकाउंट का। और यहीं पर मैं बता दूँ कि मेरे पास फॉलोवर्स भी आ रहे हैं स्टोरीज से। तो ऐसा भी है कि एक दिन में आप 100-200 फॉलोवर्स भी आपको सिर्फ स्टोरीज के बेसिस पे मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन सबके लिए है। देखो रेवेन्यू तो 50 क्रॉस के बाद ही होगा, कि 50K जब आपके हो जाएंगे उसके बाद, लेकिन यहाँ पे आपके पास फॉलोअर्स आप बहुत इजीली गेन कर सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि ये सब आपके पास ऐसा कंटेंट है जो कि लोग देखेंगे स्टोरी में, सो आज से ही पब्लिक स्टोरी पोस्ट करना स्टार्ट कर दो, और खुद आप लोग देखोगे 15-20 दिन 1 महीने बाद कि आप देखोगे कि आपके पास फॉलोअर्स आ रहे हैं इवन स्टोरीज से भी। सो यहाँ पे आप अपनी स्नैपचैट फैमिली को एक्सटेंड कर सकते हो। बहुत सारे लोग जब आपके साथ इंटरेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली चीज़ है आपके अकाउंट की एंगेजमेंट इंक्रीज होगी, और आपका अकाउंट ज़्यादा डिस्कवर या फिर सजेशंस में जाएगा। सो आज से ही स्टोरी लगाना स्टार्ट कर दो। आज के लिए फाइनली इतना ही मैं बताना चाहती थी स्नैपचैट स्टोरी के बारे में। सो अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।